नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट महेश वैष्णवी लोग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से अगर किसी को बद्दुआ भी दे तो भी फलित होती है, और दुआ भी दे तो भी फलित होती है। तो उद्धव ठाकरे ने कंगना का अंगना बिगाड़ा है, तो इसका जिंदगी बिगाड़ दी है उद्धव ठाकरे की शिवसेना की। उसकी जो बद्दुआ दी है, तो उस बद्दुआ से शिवसेना का अंगना ही बिगड़ गया है, समझ लो। जिस तरह से शिवसेना थी, आज 14-15 जने हैं। और कंगना ने कहा था कि जिस तरह से आज उद्धव ठाकरे तेने मेरा घर तोड़ा है, देखना समय का पहिया है, ये एक दिन तेरा घमंड भी टूटेगा। तो घमंड टूट चुका है, कई बार ये दो बार तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए उद्धव ठाकरे, और एक दो बार तो इनके फेसबुक लाइक देखो, अगर ये चेहरा कितना मतलब उतरा हुआ है। जिस तरह से इन्होंने कंगना को परेशान किया है, उसका नतीजा कैसा पाया है, उसकी बद्दुआ बहुत कहते हैं कि सच्चे दिल से वो जो लेडीज़ की बद्दुआ बहुत ही पावरफुल होती है, और वो ज़रूर फलित होती है। ये अपने एक उदाहरण है। अब नवनीत राणा के वो आंसू देखे होंगे, जो कि बहुत ट्रबल में थी, उसको सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की सजा दी, और उस को इतनी बीमारी में भी रखा गया है देशद्रोही कानून लगा के। तो जब वो हॉस्पिटल में मिली अपने पति से, तो कितने रो रो के मिली, उसके एक एक आंसू में एक इनकी बर्बादी छिपी हुई है। जिस तरह से इसने परेशान किया नवनीत राणा को, भगवान हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जेल में डाला, तो इसने बर्बादी तो उद्धव ठाकरे ने तभी लिख दी थी। और बिल्कुल जैसे नुपुर शर्मा है, तो नुपुर शर्मा के लिए एक लफ्ज इन्होंने बोला, और बोला तो इसी का वो विभीषण है संजय राउत, जो कि बहुत जल्दी ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसने बहुत घोटालेबाज आदमी है, हजारों करोड़ के उसने घोटाले किए हैं। तो उसने ज़रूर बोला कि नहीं नहीं किसी के धर्म विशेष पर नहीं बोलना चाहिए, किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। इन्हें कभी भी नुपुर शर्मा के पक्ष में एक लफ्ज भी नहीं बोला। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद में जो वजू कर रहे हैं, वहाँ पे शिवलिंग मिला, तब भी संजय राउत है, उद्धव ठाकरे है, आदित्य ठाकरे है, शिव कभी कोई नहीं बोला। ये सच्चा शिव सैनिक है ही नहीं उद्धव ठाकरे, और ये संजय राउत और ये सारे जो मेन हैं वो सच्चे शिव सैनिक है ही नहीं। हर शिव सैनिक से कसम खिला के पूछा जाए, ये बाला साहब होते तो क्या करते इस जगह। नूपुर शर्मा के पक्ष में सबसे पहले वो आते, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर जो सन 2000 में दंगे के आरोप थे, उस टाइम सबसे पहले अगर कोई आया है और किसी ने समर्थन किया है और साथ दिया है, तो बाला साहब ठाकरे नरेंद्र मोदी का साथ दिया उस टाइम कि नहीं भाई, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने पूरा ध्यान रखा। और गोधरा कांड के बाद जो दंगे हुए थे, तो हर मैटर में साथ में आते। इस टाइम नूपुर शर्मा के टाइम बाला साहब तो सबसे आगे रहते हैं, और हम लोग भी छोटे थे तब से सुनते आ रहे यार शिवसेना है, तो शिव सैनिक के नाम से डरते थे लोग। बजरंग दल वगैरह ये भी बाद में आए, नहीं यार शिव सैनिक है यार, अरे ये हिंदू के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, सबसे पहले तो ये लड़ेंगे। अब सबसे पीछे हो गए कांग्रेस और शरद पवार एनसीपी ने, इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। और कंगना के का श्राप, नवनीत राणा का श्राप, और नुपुर शर्मा की बद्दुआ इनको लगी है। और इन्होंने जो हिंदू के खिलाफ बिल्कुल ही एक भी कदम नहीं हुआ बोले, यहाँ तक कि पालघर के साधुओं को मारा तब भी आवाज़ नहीं निकली इनकी, तब भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया जिन लोगों ने मारा है उसके खिलाफ। कितने प्रदर्शन करने पड़े सब कुछ, फिर भी उद्धव ठाकरे के कान में जू तक नहीं रहेगी। तो ये हिंदू हित सम्राट, हृदय सम्राट का बेटा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। और फिजिकल बेटा होने से नहीं होता, उसके उनके आदर्शों पे जो चलता है वही असली वारिस होता है। तो ये वारिस होने का एक बिल्कुल गुण नहीं है, और यो गुण दिखते हैं राज ठाकरे में, एकनाथ शिंदे में, बाकी जो काफ़ी मतलब ये समझ लो कि 90% ऊपर शिव सैनिक समझ गए इनको, और बहुत जल्दी इनकी सत्ता जाने वाली है, और इनकी दुर्गति भी इसी तरह से हो ही रही है और होगी। क्योंकि अब अगर ये हिंदुत्व जाते हैं
तू जनता समझ गई, अब तो सत्ता के लिए जा रहे हैं क्या? अभी जैसे 2-4-5 दिन से सभाएं कर रहे हैं, फेसबुक लाइव कर रहे हैं, अरे आधा भी कर लेते ना तो इनकी स्थिति नहीं होती। इनने तो काम कांग्रेस के एनसीपी के नेताओं के इन लोगों को करना चालू कर दिया। ये जो बोलते हैं वही काम होते हैं। इनके कांग्रेस के नेता हार भी गए हों तो भी इनको फंड रिलीज किया है, जो विधायक फंड का होता है वो फंड, और भी जो काम है। तो मेन मालिक तो जैसे कि शरद पवार ही था, बॉस शरद पवार, बाकी उद्धव ठाकरे तो कठपुतली बन गया था। तो इनके कर्मों की सजा है, और कंगना की काली जबान, क्योंकि कंगना राणावत ने जो कहा अक्सर वही हुआ। तो कहते ना कि जैसे माता होती है, ये स्त्री शक्ति होती है, तो एक माता रूप में होती है, तो काली माँ के रूप में आके और कंगना ने जो श्राप दिया है वो पूरा होने वाला है, लगभग काफ़ी कुछ हो गया और होने वाला है। तो दोस्तों, आप मेरे विचारों से सहमत हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।